हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मौसम्बी का जूस बनाने जा रही हूँ, वो भी बिना जूसर के, घर पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मौसम्बी लिया है, इसको अच्छे तरीके से धो के हमें छील लेना है। जैसे ही मौसम्बी छील जाए, इसे हमें बीच में से हाफ कट करना है। बीच में से इसलिए कट करना है ताकि सारे बीज सेंटर में ही होते हैं, तो वहाँ से आसानी से बीज हम निकाल पाए। अब एक चाकू से हम ये सारे बीज को निकाल लेंगे। एकाध बीज अगर रह भी जाता है तो हमें मिक्सर ग्राइंडर को रुक रुक के चलाना है, तो वो बीज कटेंगे नहीं और जूस में कड़वापन नहीं आएगा। तो हमें सारे बीज को निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल देंगे। ये मौसम्बी का जूस हम घर पे ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, हेल्दी वे में, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये ही ऐसे ही पीसेस कट कर लेने हैं। जैसे ही पीसेस कट हो जाए, अभी हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। रुक रुक के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। जैसे ही हो जाए, अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से इसका रस निकल चुका है। मैं यहाँ पे स्ट्रेनर का यूज़ नहीं किया है। बहुत लोगों के पास स्ट्रेनर नहीं होता है, तो इसका भी सलूशन है। आप कोई भी अच्छा साफ कपड़ा, जिससे पनीर बनता हो, उस कपड़े से हम जूस को निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमें प्रेस करके इसका जूस निकाल लेना है। तरीके से निचोड़ के इसका पूरा जूस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना सारा जूस निकला है तीन मौसम्बी से। हम घर पे ही हेल्दी तरीके से जूस को निकाल लेंगे और पी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से जूस निकल चुका है। घर पे ही हमने तीन मौसम्बी से डेढ़ ग्लास जूस को बना लिया है। और ये बनाने के लिए ना ही हमें जूसर की ज़रूरत है और ना ही स्ट्रेनर की। हम घर का ही चीज़ यूज़ करके हम जूस, फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।